नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पंचमाक्षर नियम दैट इज फिफ्थ लेटर रूल व पंचमाक्षर नियम के अनुसार वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पंचमाक्षर क्या होता है। तो बच्चों, वर्णमाला में किसी वर्ग का पांचवा व्यंजन पंचमाक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का पांचवा व्यंजन, जैसे ङ, य, ण आदि। आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब बिंदी का प्रचलन बढ़ गया है। पंचमाक्षर मीन्स फिफ्थ कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी वर्णमाला, फॉर एग्जाम्पल ङ, य, ण एट्सेट्रा। The use of fifth consonant in modern Hindi has reduced now and has been replaced by a dot. प्रयोग, कई शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं, का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गंगा, झंडा, चंचल, मंद, संबल। अभी इन्हीं शब्दों को जब आप पुरानी पुस्तक खोल के बैठोगे तो पाओगे कि यह शब्द पहले इस प्रकार से छपे होते थे। तो यह जानना बहुत आसान होता था कि कौन सा अनुस्वार वर्ण वहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आजकल की पुस्तकों में यह एक बिंदी का रूप ले चुका है, तो आज हम यही जानेंगे कि इस बिंदी का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि शब्द गंगा, अब हम कैसे पता लगाएं कि गंगा शब्द में जो यह बिंदी दी हुई है यह कौन सा अनुस्वार है? तो यह बिंदु कौन सा है कैसे पता चलेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस बिंदु वाले अक्षर के बाद कौन से वर्ग का अक्षर है। जैसे कि गंगा शब्द में ग के बाद गा है, तो ग अक्षर क वर्ग में आता है। क वर्ग मीन्स क, ख, ग, घ, ङ। क वर्ग का पांचवा अक्षर ङ है। इसका मतलब यह हुआ कि गंगा शब्द में जो यह बिंदु है वह हाफ ङ है। आओ अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि झंडा, झंडा, झंडा में जो यह बिंदु है तो यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा? झ के बाद कौन सा अल्फाबेट है? डा है। सो ड अल्फाबेट कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। ट वर्ग मीन्स ट, ठ, ड, ढ, ण। सो ड जो है वो तीसरा वर्ण है ट वर्ग का। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बिंदु है, ये जो अनुस्वार है यहाँ पे, ये हाफ ण है। तो पंचमाक्षर नियम के अनुसार झंडा शब्द को इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्लीज नोट, जब भी पांचवा अक्षर अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है यह अक्षर आधा होता है। अगर आप इस पंचमाक्षर नियम को याद रखोगे तो आप कभी भी किसी भी शब्द को पढ़ने में गलती नहीं करोगे। अब आप जान चुके हैं कि गंगा, झंडा, चंचल, मंद, संबल आदि वर्णों में अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण का संबंध जिस वर्ग के साथ है, अनुस्वार उसी वर्ग के पांचवें वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। यही पंचम वर्ण के प्रयोग का नियम है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में पांच ही ऐसे वर्ग हैं, वर्ग मीन्स ग्रुप, पांच ही ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास पांच पांच अक्षर हैं, जिनके पास पांच पांच अल्फाबेट्स हैं। वो कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग।
बिंदी का प्रयोग, यूजेज ऑफ डॉट इन मॉडर्न हिंदी। आजकल पंचमाक्षरों के बदले में बिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्न अनुसार होता है। क वर्ग के पहले चार अक्षरों क, ख, ग, घ के साथ जब इसका पंचमाक्षर ङ संयुक्त होता है, में जुड़ता है, तब आधा ङ के बदले में बिंदी का प्रयोग किया जाता है। अभी क्या कर रहे हैं कि आधा ङ लिखने की जगह हम बिंदी लगा रहे हैं। उदाहरण, अंक, शंख, गंगा, संघ। च वर्ग के पहले चार अक्षरों च, छ, ज, झ के साथ जब इसका पंचमाक्षर ञ संयुक्त होता है, तब आधा ञ के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स, चंचल, अंजन। ऐसे ही ट वर्ग के चार अक्षरों ट, ठ, ड, ढ के साथ जब इसका पंचमाक्षर ण संयुक्त होता है, तब आधा ण के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है। उदाहरण, घंटी, कंठ, ठंड। इसी प्रकार से हम त वर्ग और प वर्ग के अक्षरों के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। आओ अब जानते हैं कि पंचमाक्षर नियम के अनुसार वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करेंगे। गंगा, ग हलंत प्लस अ प्लस ङ हलंत प्लस ग हलंत प्लस आ, गंगा। झंडा, झ हलंत प्लस अ प्लस ण हलंत प्लस ड हलंत प्लस आ, झंडा। चंचल, च हलंत प्लस अ प्लस ञ हलंत प्लस च हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, चंचल। इसी प्रकार से अन्य शब्दों का भी वर्ण विच्छेद किया जाएगा। वर्ण विच्छेद करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। नंबर एक, स्वरों के टुकड़े नहीं होते। नंबर दो, व्यंजन स्वरों के बिना आधे होते हैं। और आज हमने सीखा कि पंचमाक्षर नियम के अनुसार वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।